Hey, what's up everyone? Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. And today is the 1st of August. And uh, today I want to address something which is very important in the current market regime. If you look at this, the India VIX has gone below 17. So it was below 17, and because of the fact that it has shot up almost 6%, it has come up about just 617. And this is one of the major questions of short volatility, folks. उ टू ट्रेड इन द लोविक्स एनवेंट तो आज इसी चीज के ऊपर बात करेंगे दिखा के भी आपको कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि हाउ एक्टली टू ट्रेड दर्स्ट ऑफ ऑलमेंट मतलब क्या एनी विक्स लेस दे इन द करेंट मार्केट रेजीम आई वुर इटिक्स बिकॉज द प्रीमियम्प्लीटली थ्रैश जस्ट टू गिव यू पर मीयर

Vix के से होता है, it's the wrong क्या है ठीक है इट्स बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड करेक्ट कोई बंदा एक ऑप्शन को बाई कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक ऑप्शन को सेल करने वाला बंदा बैठा रहता है तो बेस्ड ऑन नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड द प्रीमियम्स विल बी

एट अ लोअर प्रीमियम इसका मतलब क्या है इट मीन दैट द इम्प्लाइड वोलिटिलिटी मतलब मार्केट कितना हो कर सक, होता है इसका इम्प्लाइड वोलिटिलिटी जो है इम्प्लाइड मूवमेंट जो है वो कम होता है मतलब अमॉन्ग दार्टिसिपेंट इज अट रिलेटिवली लो मूवमेंट मतलब जो भी हम लोग बात करते हैं ना हाई आईवी लो आई वी हाई विक्स लो विक्स एवरीथिंग इज रिलेटिव करेक्ट सो देर इज अटिवली टेबल

जब मार्केट लो प्रीमियम रेंज पर रहता है इट ऑल्सो ऑफर क्या एडवांटेज है तो द द थिंग इज फार जो दे डोंट कैरी अ लॉट ऑफ वैल्यू विच इन टर्न रेड्यूस योर हेजिंग कॉस्ट फॉर एक्साम्पल मुझे 600 600 सौ पॉइंट दूर का भी फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को बाई करके इसको हेज करके क्वांटिटी को बढ़ाना है तो देन आई विल बी एबल टू डू इट एट अ मच लोअर प्राइस कंपेयर टू वॉट आईड बी एबल टू डू इट इन हाईवेमेंट

तो जो एराटिक जो स्पाइक्स आते हैं एरेटिक स्पाइक्स जो आते हैं वो रिलेटिवली लो रहने वाले है। here is relatively. मतलब क्या है इसका मतलब ये नहीं कि लो में स्पाइक आता ही नहीं है नो देर स्पाइक्स बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पाइक्स वुड गो डाउन ग्रेस्टिकली एंड सेकेंड थिंग वॉट इज गुड अबाउट दिस लोविक्स एनवाइ इज द मार्केट ट्राइज टू फॉलो द प्राइज एक्शन टू अ लार्जर एक्सटेंट मतलब हाईविक्स एनवाइ पे क्या होता था भयंकर गैप कभी सेल ऑफ एंड कहीं बीच से मतलब एक इमीडिएट बाइंड जनरली स्पीकिंग सेवेंटी जो है काफी अच्छे से फॉलो हो जाता है फॉर एग्जाम्पल आज का ही मतलब आप देखोगे तो एस्टरडेज क्लोज एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट एंड देन दिस सी पी आर दिस प्यर पॉइंट इट एक्टेड एज अ गुड सपोर्ट यहाँ पे ट्वेंटी इस पॉइंट लुक दिस पॉइंट जहां पे कंटिन्यूअसली मार्केट ने सपोर्ट लिया एक्टेड गुड सपोर्ट तो मोस्ट ऑफ द टाइम द प्राइस एक्शन विल बी फॉलोड तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ट्रेडिंग इन लो विक्स एनविरोनमेंट इट ऑलवेज पेस टू हैव अमाउंट ऑफ डायरेक्शनल ट्राइंगल क्योंकि डीटा डीके कम रहता है वाई बिकॉज द ऑप्शन वैल्यूज इट इज लो आपको डीके लेने के लिए कुछ आपके पास बचा ही नहीं रहता प्रीमियम पे तो इफ यू आर अ नॉन डायरेक्शनल प्लेयर ज हेल्प टू हैव सम अमाउंट ऑफ डायरेक्शनल बयस फॉर एग्जाम्पल ये जो ऑप्शन था लुकअ दिस ऑप्शन ट्वेल्व रुपीज पे था एंड दिस ऑप्शन वॉज थर्टी वन रुपीज कैन यू सी दिस एन आर एम एल पे जो है दिस इज माई मैनुअल ऑर्डर ये मेरा मैनुअल ऑर्डर है एंड यहां पर जो चल रहा है एम आई एस पे दिस इज रन बाई द एलगो यहाँ पे जो एल्गो चला रहे हैं ना दिस इज रन बाई द एल्गो ये एल्गो कर रहा है इफ यू लुकअ दिसगो इज रनिंग इन लॉस ऑफ ऑलमोस्ट थ्री पॉइंट और समथिंग

यहां यहां पे पे भी देखो यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम दिस सेवेंटीन थाउजेंड लेवल वॉज रेस्पेक्टेड से अप मूव आ गया एंड आफ्टर दैट इट वॉज अ क्लियर ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट होने के बाद भी देर वॉज अ गैप अप प्रीवियस क्लोजिंग के पास सपोर्ट एंड इट मूव पे भी देखो इट्स अ अंस्टेंट अपट्रेंड कॉन्स्टेंट अपट्रेंड के बाद यहाँ पे ट्वेंटी मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज एक्सपायरी रिलेटेड के बाद फिर से अगेन इट वॉज एन इवन ऑन दिस डे

यहां पे मुझे पता चला कि चलो मार्केट इज इन बुलिश पोजिशन सो आई प्लेड अ अ ऑफ़ एंड इफ यू लुक एट भी मतलब पुश करते आया 850 से 900 900 से 950 950, 950 17000 तो so, सब में मतलब थोड़ा 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 प्रॉफिट बुक करके मैं कंटिन्यूसली ऊपर पुश कर रहा हूं बाय कीपिंग द कॉल्स एग्जैक्टली एट द सेम लेवल

आप मेरे पूरे पुराने वीडियोस को देख के एक्सैक्टली न्यूट्रल स्ट्रैंगल्स आप प्ले करोगे देन मोस्ट ऑफ द नॉन एक्सपायरी डेज विल बी मोस्टली फ्यूटाइल एफर्ट वर्सेस रिवॉर्ड इज नॉट दैट ग्रेट ट्रेडिंग इन लोग एक्स एनविरोनमेंट राइट तो लॉट ऑफ पीपल गेट रियली वरीड मतलब मुझे ट्विटर पर ऐसे ऐसे मैसेज आता है कि लोग भाई मेरे को टेंशन हो रहा है इतना प्रीमियम premium, कम प्रीमियम देखेट दिस्टोरिकल विक्सार्ट वी हैव बीन इन दिस रेंज इट इफ यू लुक एट दिस्टोरिकल डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम दिक्कस कभी कभी विक्स काफी लो पे भी चला जाता है इतने पे डोंट कंसिडर स्पाइक होता है बट जनरली स्पीकिंग से लेके 20 के बीच में एंड नाउट एडिंग ऑन टू दैट द नंबर ऑफ ऑप्शन सेलर्स विच द मार्केट्स आर एक्सट्रीमली हाई सो इस विक्स पे भी ऑप्शन प्रीमियम्स और काफी कम होते जा रहा है विच इज काइंड ऑफ कंसर्निंग बट एट द सेम टाइम अगेन यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेस्ट यू नो एडजस्ट द मार्केट कंडीशंस तो यस दोस्ट्रीमली लो प्रीमियम्स बट दे हैव इट्स ओन एडवांटेजेस ऑल्सो क्योंकि एडजस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाएगा देर बी लोअर एडजस्टमेंट कॉस्ट एंड देर विल बी इंक्रीज ऑफ टीटा रियलाइजेशन क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेस्ट जाता है एंड आपको ज्यादा एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहता तो एडजस्टमेंट कॉस्ट कम हो जाता है टीटा रियलाइजेशन ज्यादा हो सकता है एंड हेजिंग कॉस्ट कम हो जाता है, एंड प्राइज एक्शन थोड़ा ज्यादा कर सकता है, तो पीपल ठीक well है आई होप वेरी वेरी स्मॉल टिप्स ओके मतलब देखो वेन एवर योर सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग पर्टिकुलर मार्केट रीजन यू हैव टू

तो आई होप दिस वीडियो हेल्प काफी छोटे छोटे ट्वीक्स है बट दीज विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे ठीक है तो इफ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई एल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो बाय